वेलकम बैक टू माई चैनल स्वीट जोगा। जो मैं ब्यूटिफुल सा गॉर्जियस नवरात्रि नाइट डांडिया नाइट मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ यूजिंग वेरी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सॉरी गाइज, मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी रेगुलरली, बट अब फाइनली मैं वीडियो अपलोड करूँगी रेगुलरली, शॉर्ट्स एंड लॉन्ग वीडियो। एंड कल ही मेरा क्यू एन ए वीडियो भी आएगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो सबसे पहले हम स्किन को चलो मॉइस्चराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जॉय का एलोवेरा वाला जेल लिया एज अ मॉइस्चराइज़र। ये फेस पे भी बहुत अच्छे से सूट हो जाता है, तो मैं अच्छे से फेस को मॉइस्चराइज कर लूँगी। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी प्राइमर। तो यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का प्राइमर लिया है। काफ़ी इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट चाहिए मुझे, क्योंकि नाइट डांडिया मेकअप लुक है, तो इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट आएगा तो उतना ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो मैं अपने पूरे फेस पर लगा लूँगी, एकदम से इंस्टेंट ग्लो दे देगा एंड काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज भी कर देता है। काफ़ी वेरिएबल मेकअप लुक है, कोई भी कर सकता है। एट द सेम टाइम बहुत ही ब्यूटीफुल भी लगता है। कैन यू सी कितना ज़्यादा ग्लो आ गया इसे लगाने से। तो मैं बीबी क्रीम लूँगी एंड अपने फेस पे पूरे डॉट डॉट करके लगा लूँगी। डॉट डॉट करके ना इवनली स्प्रेड होता है, ऐसा लगता नहीं आपने कहीं ज़्यादा लगा लिया और आपने कहीं कम लगा लिया। एंड नेक पे भी लगा लूँगी जितना बच गया था, थोड़ा ज़्यादा नहीं लगा लिया था मैंने, बट इट्स ओके क्योंकि मुझे कवरेज भी थोड़ी ज़्यादा चाहिए थी एंड मुझे काफ़ी अच्छी लगती है इसकी कवरेज। कैन यू सी कितने अच्छे से इसकी कवरेज कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। तो मैं स्लोली स्लोली करके ब्लेंड कर लूँगी। अब बहुत हल्का सा भी लगा सकते हो दो तीन डॉट, बट मैं फाउंडेशन बोलूँगी आपको लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना तो नहीं लगाओ, क्योंकि स्वेटिंग के कारण निकल भी सकता है तो अच्छा नहीं लगता फिर। तो बीबी क्रीम आई विल सजेस्ट यू। उसके बाद मैं एक स्पंज लेके ऐसे डाप डाप कर रही हूँ कि जितनी भी फाइन लाइन्स क्रिएट हो गई ना वो सारी हट जाए मेरे फेस से। एंड ऐसे करके मैंने सारी फाइन लाइन्स हटा दी है। इसके बाद हम करने वाले स्विस ब्यूटी का अल्ट्रा प्रो आई शेडो पैलेट। इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल शेड्स एंड बहुत ही अमेजिंग इसी पैलेट से मैं ब्लश कॉन्टोरिंग सब कुछ करूँगी। तो सबसे पहले मैंने ब्राउन आई शेडो लेके अपनी ब्रोज को फिल कर लिया। इसके बाद ये मैंने पीच पिंक शिमर आई शेडो अपनी जस्ट क्रीज पे लगा लिया। उसके बाद शिमर आई शेडो लगा लिया एंड आई एम डन। तो देखा आपने, बहुत ही हल्का सा मैंने एक ब्रश की मदद से लेके लगा लिया। इसके बाद मैं शिमर आई शेडो लेके कितना ही पिगमेंटेटेड है जस्ट अपनी क्रीज पे लगा लूँगी। इसके बाद मैं क्या करूँगी, लगाने के बाद ये एक ब्रश लूँगी एंड जितना भी एक्सेस बच गया है ना मेरे ब्रश में उससे लगा लूँगी, कि जितना भी शिमर आई शेडो से जो हट गया है ऊपर वाला आई शेडो वो वापस आ जाए। इसके बाद मैं कर रही हूँ कंसीलिंग या हाइलाइटिंग। यहाँ पे मैंने NYBA की स्टिक ली है, काफ़ी रनवे वाली, काफ़ी अच्छी है, बहुत ही कम लगाऊँगी। जितना कम प्रोडक्ट लगाते हो ना आप उतना ही अच्छा लगता है आपका मेकअप लुक। तो मैं हल्का सा लेके अपनी हाइलाइटिंग कर रही हूँ एंड एक ब्रश की मदद से ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मैंने कर लिया है अच्छे से हाइलाइटिंग, बहुत ही कम करी है कि मैं काफ़ी नेचुरल एकदम मिनिमम गॉर्जियस काइंड ऑफ मेकअप लुक होता है ना वैसा करना चाहती थी, एकदम नेचुरल और सटल लगे। अगर आप करते हुए तो हम जो इंस्टाग्राम पे टैग भी कर सकते हो, लवली इन साइकिल 2 है मेरा हैंडल, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो इसके बाद मैं करी कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग हम इसलिए करते ताकि जो हमारी फेस के फीचर्स है काफ़ी शार्प लगे। तो ये सेम पैलेट से ही मैंने ब्राउन आई शेडो लिया था एंड हल्का हल्का बहुत ही कूल टोन था ये जो शेडो था एंड उसे कॉन्टोरिंग कर लूँगी बहुत ही लाइट। लाइक मैंने बहुत ही उसे अच्छे से ब्लेंड कर दिया कि काफ़ी एकदम नेचुरल शेड नहीं होता वैसा है। इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, उसके बाद मैं ये वाला ऑरेंज लेके एंड पिंक शेड को मिक्स कर लूँगी ये पीच को एंड इसको एज अ ब्लश लगा लूँगी अच्छे से अपनी एप्पल ऑफ द चिक्स। सो मैं थोड़ा ऊपर ऊपर लगाऊँगी एप्पल ऑफ द चिक्स के थोड़ा सा ऊपर ऊपर एंड डन। मेरा ब्लश भी लग गया है अच्छे से, काफ़ी नेचुरल, बहुत कम, मुझे बहुत कम कम लगाना था क्योंकि ये बहुत वेरिएबल करना चाहती थी टू बी वेरी ऑनेस्ट मेकअप लुक। इसके बाद मैं ले रही हूँ लाइनर एंड यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का लाइनर लिया है एंड बहुत पतला सा विंग ड्रॉ कर लूँगी, अच्छे से विंग ड्रॉ कर लूँगी। लाइक मतलब बहुत ही अच्छा लाइनर है ये वाला, लाइक जो बिगनर्स है ना उनके लिए तो काफ़ी अच्छा। इसके बाद मैं मस्कारा लगा रही हूँ मेबलिन का, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, लाइक 6-7 घंटे तो चल ही जाता है। इसके बाद मैं सेम आई शेडो पैलेट से हाइलाइटिंग भी कर लूँगी, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हाइलाइटिंग शेड का काम करा। मेरा मन करा था स्क्रैच करके एक पैन में डाल लूँ आई शेडो, इतना अच्छा हाइलाइटिंग का काम करा। कैन यू सी गाइस, वाओ। मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ सारे आई शेडो पैलेट को एंड आज मैंने यूज़ करी तो आई एम लाइक मैं यूज़ क्यों नहीं करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर देना
एंड सब्सक्राइब कर देना, एकदम फ्री है सब्सक्राइब करना। अब मैं हल्का सा एक ब्यूटी ब्लेंडर लेके डाप डाप कर लूँगी ताकि नेचुरल लगे। इसके बाद मैं माई ग्लैम की लिपस्टिक ले रही हूँ, कोरल पीची शेड काइंड ऑफ, एंड अपने लिप्स पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी अच्छे से। इसके बाद मैंने हल्का सा रेड का टिंट भी दिया था इस पर, एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक गाइस। मैंने बिंदी लगा लिया है एंड डॉट 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 भी कर लिया अपनी आईज़ के साइड में। कितना ही प्रिटी लग रहा है ना, और इजी भी, वेरिएबल सा मेकअप लुक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।